सप्तपुरियों में पुरी हो या चार धामों में धाम, सर्वोपरि पुरी धाम में श्री जगन्नाथ का नाम। जगन्नाथ की पुरी पूरे भारत में ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उड़ीसा प्रांत की पुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर विष्णु भक्त की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। आज भी इसकी बनावट के कुछ राज तो राज ही है, जिसका भेद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डिग्रियां करने वाले भी नहीं कर पाए हैं। आइए आपको बताते हैं भगवान श्री जगन्नाथ के इस मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर की कहानी। कहा जाता है कि भगवान जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री विष्णु की इंद्रनील या कहें नीलमणि से बनी मूर्ति एक अगरु वृक्ष के नीचे मिली थी। मूर्ति की भव्यता को देखकर धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपा दिया। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रद्युमन जो कि भगवान विष्णु के कड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुँचे तो उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल गया। अब उनके सामने प्रश्न था कि मूर्ति किनसे बनवाए। कहा जाता है कि भगवान स्वयं श्री विश्वकर्मा के साथ एक वृद्ध मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे एक महीने के अंदर मूर्तियों का निर्माण कर देंगे, लेकिन इस काम को एक बंद कमरे में अंजाम देंगे। एक महीने तक कोई भी इस पर प्रवेश नहीं करेगा, ना कोई झाँक ताक करेगा, वह चाहे राजा ही क्यों न हो। महीने का आखिरी दिन था। कमरे से कई दिन से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो कोतूहल वंश राजा से रहा न गया और अंदर झांक कर देखने लगे। लेकिन तभी वृद्ध मूर्तिकार दरवाजा खोलकर बाहर आ गए और राजा को बताया कि मूर्तियां अभी अधूरी है, उनके हाथ नहीं बने हैं। राजा को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ और वृद्ध से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि यही देव की मर्जी है। तब उसी अवस्था में मूर्तियां स्थापित की गई। आज भी भगवान जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियां उसी अवस्था में हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान की हर वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ बलभद्र और भगिनी सुभद्रा को अलग अलग रथों में विराजमान किया जाता है। पूरी तरह से सुसज्जित इस रथ यात्रा का नज़ारा भी भव्य दिखाई देता है। वर्तमान में रथ यात्रा का चलन भारत के अन्य वैष्णव कृष्ण मंदिरों में भी खूब जोरों पर है। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आयोजन होते हैं। जगन्नाथ मंदिर के आश्चर्य। 4 लाख वर्ग फुट के विस्तृत क्षेत्र में फैला भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर 4 दीवारों से घिरा हुआ है और कलिंग शैली की मंदिर स्थापत्य कला व शिल्प के प्रयोग से बना भारत के भव्य स्मारक में स्थलों में शुमार है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फुट ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। मूर्तियां इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है। वैसे तो भारत के बहुत सारे मंदिरों के साथ आश्चर्य जुड़े हुए हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर से जुड़े आश्चर्य बहुत ही अद्भुत है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर आप अभी इन आश्चर्यों को देख सकते हैं, लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी अभी तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हवा के खिलाफ लहराती है ध्वजा। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य ही बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वज से जुड़ी है, वह यह है कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। मान्यता है कि यदि एक दिन ध्वजा को न बदला जाए तो मंदिर के द्वार 18 साल तक बंद हो जाएंगे। सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर ही अष्ट धातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और इसे
बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि किसी भी कोने से किसी भी दिशा से इस चक्र को आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे इसका मुंह आपकी तरफ है। मंदिर के अंदर नहीं सुनती लहरों की आवाज, यह भी किसी रहस्य से कम आपको नहीं लगेगा कि मंदिर के सिंह द्वार से एक कदम आप अंदर रखें तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर कदम निकालना, आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज सुनाई देगी। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। दूसरा प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और प्रसाद पकने की प्रक्रिया सबसे ऊपर वाले बर्तन से शुरू होती है। मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी के द्वारा प्रसाद पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में पकता है। हैरत की बात यह भी है कि मंदिर में प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है और जैसे ही मंदिर के द्वार बंद होते हैं प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। मंदिर के ऊपर नहीं मारते परिंदे भी पर, यह कहावत तो आपने सुनी होगी कि यहाँ मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में तो इस कहावत को सच होता देख सकते हैं। परिंदों का पर मारना तो दूर हवाई जहाज तक मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरते हैं। नहीं होती ऊपरी हिस्से की परछाई, यह तो विज्ञान का नियम है कि जिस पर भी रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बनेगी जरूर, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ऊपरी हिस्सा विज्ञान के इस नियम को चुनौती देता है, क्योंकि इसके ऊपरी हिस्से की किसी भी समय इसकी परछाई नहीं होती है। आज के अंत में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।